बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट के चैनल पे आपको एक बार फिर खुश आमदी। मेरा नाम है अरसलान मजीद। आज मैं जो प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के जरिए है, जो कि है अवेलेबल, वो है नाजमाबाद 5 नंबर 5D के एरिया में। बेसिकली 266 गज का ये प्लॉट था, जो कि बिल्डर ने डिमोलिश करके इसमें जो फ्लैट बनाए हैं वो बनाए कुछ इस तरह है कि फर्स्ट फ्लोर पे 4 फ्लैट बनाए हैं, फ्रंट पे 2 हैं, बैक पे 2 हैं। फ्रंट वाले जो फ्लैट हैं वो है 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च, और बैक साइड पे जो फ्लैट हैं वो है 2 बेड लॉन्च। अनफॉर्चुनेट मेरे पास फर्स्ट और सेकंड के फ्रंट साइड वाले जो 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च के फ्लैट है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो सेल आउट हो चुके हैं। लेकिन फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड फ्लोर के जो बैक साइड के 2 बेड लॉन्च की प्लानिंग पे 4 फ्लैट हैं, ये मेरे पास अवेलेबल है। और इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर 3rd फ्लोर के 2 फ्लैट, ये भी मेरे पास अवेलेबल है फॉर सेल। और इसी तरह 4th फ्लोर पे भी बैक साइड के 2 फ्लैट, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। और 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च की प्लानिंग पे जो फ्रंट साइड पे, वो मेरे पास 3rd फ्लोर पे अवेलेबल है। फर्स्ट और सेकेंड के 4 फ्लैट सेल आउट हो चुके हैं, तो 4th फ्लोर पे भी मेरे पास 2 फ्लैट अवेलेबल हैं, और 3rd फ्लोर पे भी मेरे पास फ्रंट के 2 फ्लैट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1st फ्लोर के बैक साइड वाले फ्लैटों की, जो कि है प्लानिंग उनकी 2 बेड लॉन्च। उनकी डिमांड कर रहे हैं 1 फ्लैट की 42। और इसी तरह सेकंड फ्लोर पे जो 2 फ्लैट अवेलेबल हैं, 1 फ्लैट के प्राइस है 42। और इसी तरह 3rd फ्लोर पे जो फ्लैट दोनों अवेलेबल हैं, उसकी ईच फ्लैट की डिमांड कर रहे हैं 40। और इसी तरह जो 4th फ्लोर पे है ईच फ्लैट, उसकी डिमांड कर रहे हैं 38। तो अब आ जाते हैं फ्रंट वाले 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च के फ्लैट के प्राइस की तरफ, जो कि 3rd फ्लोर पे मेरे पास फ्रंट साइड पे अवेलेबल है। दोनों फ्लैट अवेलेबल है मेरे पास, इसी तरह 4th फ्लोर की भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इनके रेट बता देता हूँ आपको कि 3rd फ्लोर के जो ईच फ्लैट है 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च के, उसकी डिमांड कर रहे हैं 57। और इसी तरह जो 4th फ्लोर पे है 2 बेडरूम डाइनिंग रूम टीवी लॉन्च की प्लानिंग पे, उसकी कर रहे हैं ईच फ्लैट 55। तो ये सारी फ्लैटों की डिटेल मैंने आपको बता दी बकायदा रेट के साथ, लेकिन अगर कोई इन केस मिस कर दे तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दिया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि प्रॉपर मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ जो 2 बेडरूम डाइनिंग रूम टीवी लॉन्च की बैक साइड वाले फ्लैट हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ 1st फ्लोर की मैंने वीडियो बनाई है। बाकी एग्जैक्टली जो 1st फ्लोर पे है वही 2nd फ्लोर पे है, वही 3rd फ्लोर पे है, और एग्जैक्टली वही 4th फ्लोर पे है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ईच फ्लैट तो बना नहीं सकता था, क्योंकि जो 1st फ्लोर है वही 2nd फ्लोर है, समझने वाला इस चीज़ को समझ जाएगा। और फ्रंट पे जो मेरे पास अवेलेबल है उसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ फ्रंट साइड के 1st फ्लोर की, लेकिन उस वक्त मेरे पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आई थी। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन ये आई थी कि मुझे बताया गया था कि 3rd फ्लोर पे 1 फ्लैट अवेलेबल है, तो वीडियो बनाते वक्त जो मैंने कहा है स्पीच देते वक्त, तो उस स्पीच में मत जाइएगा। ये बेसिक स्पीच है जो मैं अभी ये बना रहा हूँ कि मेरे पास 3rd फ्लोर पे 2 फ्लैट अवेलेबल है। वीडियो बनाते वक्त फ्लैट की मैंने ये मेंशन किया है अपनी ही स्पीच पे कि मेरे पास 3rd फ्लोर पे सिर्फ 1 फ्लैट अवेलेबल है, जो कि वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ ये वीडियो बनाने के बाद। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और प्रॉपरली वीडियो देख लें आप फ्लैट की। तो ये देखिए, ये है इसकी एंट्रेंस, बिल्कुल यहाँ पे अपना फर्श की पॉलिश का काम चल रहा है, बिल्डिंग में फिनिशिंग का बेसिकली काम चल रहा है, अदरवाइज पूरी बिल्डिंग इसकी कम्प्लीट हो चुकी है। ये है इसका, ये है इसकी एंट्रेंस, ठीक है। ये यहाँ पे 4 फ्लैट बने हुए हैं, 2 ये बने हुए हैं इसके फ्रंट वाले, एक बना हुआ है इसका ये 2 बेड लॉन्च वाला, और एक बना हुआ है ये वाला। ये हमारे यहाँ के चौकीदार हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे और बेहतरीन आदमी हैं ये, ख्याल रखने वाले हैं। तो इन्होंने ही मुझे अलाउ किया है कि आप बना लें, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच चाचा। तो ये है इसका फर्स्ट फ्लैट, जो कि बैक साइड पे है। फिर इसके बाद मैं आपको इसका ये वाला फ्लैट दिखा दूंगा 2 बेड ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च में, लेकिन ये मेरे पास फर्स्ट पे अवेलेबल नहीं है, ये मेरे पास 3rd पे अवेलेबल है। ये 1st फ्लोर पे जो है ये तो एग्जैक्टली वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यही सेल पे है। और इसी तरह ये वाला भी फ्लैट है,
ये भी मेरे पास अवेलेबल है, ये भी सेल के लिए है। और इसी तरह मेरे पास सेकंड फ्लोर पे भी इसी दोनों साइड के ये वाले फ्लैट भी हैं और थर्ड फ्लोर पे भी हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये वाला दिखा देता हूँ। टू बेड लॉन्च ही प्लानिंग पे है ये, हम यहाँ से एंटर हो चुके हैं। ये हमारी मेन एंट्रेंस है, ये पूरी इसकी फ्लोरिंग, सामने ही इसके किचन, ये जो दो दरवाजे हैं ये इसके दोनों बेडरूम हैं। फैंसी फोर सीलिंग वर्क मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ये है इसका फैंसी फोर सीलिंग वर्क। तो ये देखा आपने पूरा लॉन्च, सामने इसकी वेंटिलेशन डक्ट दी गई है, यहीं से इसकी क्रॉसिंग है, और ये है इसके दोनों बेडरूम। तो ये है इसका फर्स्ट रूम, इसकी बैक साइड की वॉशिंग एरिया गैलरी भी दी गई है। सामने जो इसके गेट है ये इसका वॉशिंग एरिया गैलरी है, सामने इसका वॉशरूम है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया है जो कि है इसका स्टोर। तो आप देख लेते हैं सबसे पहले इसकी फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग है इसकी। फ्लोरिंग मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि रूम के साइज़ का अंदाज़ा हो सके। मिडल व्यू, और ये इसकी फोर सीलिंग वर्क, तो चलिए चलते हैं हम अपने अब बैक साइड की जो वॉशिंग एरिया गैलरी है उसकी तरफ। फिर मैं इसके गैलरी का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड का फ्लैट है तो बैक साइड पे जो पतली गली है वहाँ से ही इसका व्यू है। इसकी पूरी ये बैक साइड की एक व्यू, और मैं अगर इसकी गली का आपको व्यू दिखाऊँ तो इसकी ये गली का व्यू है, बैक साइड की वॉशिंग एरिया गैलरी है। और यहाँ पे इसके एक छोटा सा स्पेस बच रहा था तो यहाँ पे इन्होंने इसके एक स्टोर दे दिया है, जहाँ पे वार्डरोब अगर वगैरह लग जाए तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है स्टोरेज के लिए। ये इसका वॉशरूम, फ्लैट का काम तकरीबन 95% कंप्लीट हो चुका है, बस सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी वगैरह लगनी है और फिनिशिंग तो आपके सामने चल ही रही है। तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ जो कि यहाँ पे है मौजूद। ये इसकी फ्लोरिंग, ये इसका मिडल व्यू, बैक साइड की जो वॉशिंग एरिया गैलरी है यहाँ से उसके विंडो दी गई है, और ये है इसकी फोर सीलिंग जो कि सेम है फर्स्ट रूम की तरह, और ये है इसका अटैच वॉशरूम। तो चलिए चलते हैं अब अपने सेकंड फ्लैट की तरफ जो कि बिल्कुल देखने में सेम है, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट का फर्क है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका दूसरा फ्लैट दिखा दूंगा जो कि है इसके थर्ड फ्लोर पे फ्रंट का टू बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज का। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके इसका दूसरा वाला फ्लैट। तो इसी तरह ये बिल्कुल यहाँ से इसकी एंट्रेंस, ये फ्लोरिंग, सामने इसके किचन, वेंटिलेशन डक्ट, फैंसी फोर सीलिंग, इसी तरह यहाँ पे दोनों इसके अटैच वॉशरूम, सामने बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट फ्लैट में मैंने आपको दिखाया कि बैक साइड की वॉशिंग एरिया गैलरी, ये वॉशरूम, और यहाँ पे छोटा सा एक पैसेज दे और सॉरी एक स्पेस दे दिया है, यहाँ पे आप स्टोर बना सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, इसी तरह इसकी बैक साइड की गैलरी, और इसी तरह इसके दूसरा रूम क्योंकि ये भी अटैच वॉशरूम के साथ है। तो ये मैंने आपको दिखा दिए फर्स्ट फ्लोर के दोनों कंप्लीट फ्लैट। मैं एक बार सब कुछ रिपीट कर दूं, इसकी जो बैक साइड पे फ्लैट हैं जो जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सेकंड पे भी मेरे पास अवेलेबल है, थर्ड पे भी मेरे पास अवेलेबल है। फर्स्ट और सेकंड के रेट सेम है, थर्ड के थोड़े से कम है, वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अब मैं दिखा देता हूँ आपको टू बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज का फ्लैट जो मेरे पास थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टू बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज वाले फ्लैट की तरफ।
तो ये है टू बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च वाला फ्लैट, जो कि मैं आपको दिखा तो फर्स्ट फ्लोर कर रहा हूँ, लेकिन 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 कोई भी फ़र्क नहीं है, 19-20 भी कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल जो फर्स्ट फ्लोर पे है वही थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है। तो ये है इसकी एंट्रेंस, ये एंटर होते ही सामने एक छोटा सा स्पेस आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे वॉर्ड अपना अलमारी वगैरह छोटी सी एक स्पेस के लिए बना सकते हैं। ये इसका किचन है, सामने जो दो दरवाजे आ रहे हैं ये इसके दोनों अटैच वॉशरूम के साथ बेडरूम है, ये इसका ड्राइंग रूम है, आप इसको देख सकते हैं, फ्लोरिंग साइज कंपैरिजन हो सके, जाके अंदाज़ा हो सके साइज़ का लॉन्च के। और ये हुई हुई है इसकी फैंसी फोर सीलिंग का वर्क। तो चलिए चलते हैं अब अपने फ्लैट की तरफ, जो कि ये इसका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम देख सकते हैं आप, ये मिडल व्यू फ्लोरिंग का, ये लेफ्ट और ये राइट, यहाँ पे वेंटिलेशन डक है, यहीं पर ये विंडो लगा दी जाएगी, और ये इसकी फोर सीलिंग। और ये हैं इसके दोनों बेडरूम, जो कि फ्रंट पे जो गैलरी है उसका एक गेट यहाँ से दिया गया है, दूसरी साइड से विंडो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ ये वाला रूम, ये इसकी फ्लोरिंग, ये इसका मिडल व्यू, सामने विंडो, काफ़ी बड़ी विंडो यहाँ पे लगेगी, और ये इसका अटैच वॉशरूम, और ये इसकी फोर सीलिंग। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस रूम का अटैच वॉशरूम, जो कि अभी इनकम्प्लीट है सिर्फ सैनिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम चल रहा है, पॉलिश वगैरह का हो रहा है, तो ये सब काम कंप्लीट होने के बाद इसकी सैनिटरी का भी काम करवा दिया जाएगा, और काफ़ी लंबा प्रोसीजर नहीं है इसका। तो ये वाले रूम से आपने विंडो का व्यू देखा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके दूसरा रूम, जहाँ पे बेसिकली इसका एंट्री दी गई है फ्रंट की गैलरी की। तो ये है इसका दूसरा रूम, इसकी फ्लोरिंग, इसका सामने अटैच वॉशरूम, फ्रंट साइड की बालकनी का गेट, और ये है इसकी फोर सीलिंग। तो चलिए चलते हैं हम अपने अटैच वॉशरूम की तरफ, ये इसका अटैच वॉशरूम, और ये है इसकी गैलरी, जो कि ये तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका व्यू ये आ रहा है आपके सामने थर्ड फ्लोर पे, तो माशाल्लाह और ज़्यादा ब्राइट इसका व्यू होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका व्यू, इसका व्यू है गैलरी का, तो ये देखिए आपने दोनों फ्लैट की यानी कि तीनों फ्लैट की कंप्लीट वीडियो, मैं फ्रंट की भी दिखा चुका हूँ, जो कि फ्रंट में मेरे पास अवेलेबल है थर्ड फ्लोर का, और फर्स्ट फ्लोर में तो मैं आपको दोनों दिखा ही चुका हूँ, जो एक्चुअली में सेल के लिए है, और इसी में सेकंड भी है और इसी में थर्ड भी है, जो कि सेम है। अगर मैं सारे अपना फ्लैटों की वीडियो बनाने चाहूँ तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, तो डिटेल तो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आप लोगों को तकरीबन तरतीब बाई सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी लफ बाई लफ में एकदम डिटेल में डीप जाके आप लोगों को समझा सकूँ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, एक बार सब कुछ रिपीट कर दूँ, नाजमाबाद 5 नंबर 5D के एरिया में 266 गज के प्लॉट पे ये 4 फ्लैट बने हुए हैं, जो कि 2 फ्रंट पे हैं 2 बैक पे हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है वो फ्रंट बैक साइड के 2 बेड लॉन्च फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे 6 के 6 फ्लैट अवेलेबल है, और 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च का जो फ्लैट है वो है थर्ड फ्लोर पे फ्रंट पे, जो कि उसके रेट मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दी है, तकरीबन सारे फ्लैटों के मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे रेट मेंशन कर दी है, तो जिन हजरात के रेट जानने हो तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जाके आने वाली वीडियो प्रॉपर्टी के हवाले से आप तक पहुंचती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।